Hello students, welcome to the class. I hope all of you are doing good. Yeah, if I'm not wrong, तो हमने और पीपीटी गलत पीपीटी डाउनलोड कर लिया है. चलिए कोई बात नहीं. We need to download which PPT? Yes, this PPT. ये वाला करना पड़ेगा हमें. चलिए वो भी आ गया हमारे पास. So this is about NPM is new Taylorism. NPM is new Taylorism. ये बिल्कुल गलत है. Just give me a second. तो ये वाला NPM is neo Taylorism. NPM is neo Taylorism. इसको समझेंगे. तो ये क्या कहता है? तो ये वाला सवाल है. New public management has been branded by certain scholars as neo Taylorism. ठीक है ना. बहुत सारे उन्हें इसको ब्रांड कराया है न्यू टेलरिज्म. इज इट जस्टिफाइड कंपैरिजन? मतलब एनपीएम क्यों खत्म हो गया यार? बहुत ही मजेदार सवाल है और बहुत इजी सवाल है. एनपीएम को न्यू टेलरिज्म नहीं कह सकते. सबसे पहली चीज, मतलब न्यू टेलरिज्म एक हिस्सा है एनपीएम का, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट का एक हिस्सा है. ठीक है ना, कि प्राइवेट सेक्टर की टेक्निक्स को आप अप्लाई करा रहे हैं. ठीक है ना. इट इज जस्ट 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 वन way of looking at things. There's just one way of looking at things. तो ये holistic perspective नहीं है. So, वो कहता private sector के NPM में दूसरी चीज भी है, roll back of the state. roll back of the state. कि state का roll back कर लिया जाए, contracting out कर लिया जाए. हाँ, efficiency, effectiveness, economy वाली चीजें हैं. बट रोल बैक ऑफ द स्टेट का कम कर लेना, वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज थी. ठीक है. सो इट वॉज गाइडेड बाय बेसिकली पब्लिक चॉइस अप्रोच एंड न्यू टेलरिज्म. तो दो अंडरलाइन पिलर्स हैं इसका एनपीएम का. ठीक है. क्या ये जस्टिफाइड कंपैरिजन है? वो मैंने बता दिया नहीं है. ठीक है ना. व्हाट फैक्टर्स लेड टू द डिक्लाइन ऑफ एनपीएम? एनपीएम क्यों खत्म हो गया, मतलब अपने जन्म के बाद, सून आफ्टर इट्स बर्थ? देखिए, एनपीएम की मौत का सबसे बड़ा मतलब बिल्कुल भी डेड नहीं हुआ, डिक्लाइन हुआ है, डेड नहीं हुआ है. डिक्लाइन शब्द हमेशा यूज होता है डिक्लाइन, या कोई भी चीज इंक्रीज हो रही है पबेड में. पबेड में कोई भी थ्योरी मरती नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. तो एनपीएम क्यों हो गया खत्म? बिकॉज एनपीएम में जो स्टेट का रोल था वो बिल्कुल इट वॉज रेलिगेटेड इन द बैकग्राउंड. और स्टेट का रोल खत्म हो नहीं सकता है, विदाउट स्टेट चीजें कैसे चलेंगी? रेगुलेशन करना है स्टेट ने. ठीक है ना. स्टेट सब्सिडी प्रोवाइड कराती है, एजुकेशन प्रोवाइड कराती है, हेल्थ प्रोवाइड कराती है, पुलिस की सर्विसेज प्रोवाइड कराती है. स्टेट को रेगुलेट करना है. तो स्टेट के रोल को बिल्कुल नेग्लेक्ट कर रहा था एनपीएम. ठीक है. एंड सिटीजन को कस्टमर ट्रीट कर रहा था, एफिशिएंसी और सिटीजन को सिर्फ फाइनेंशियल परस्पेक्टिव में देख रहा था, इकोनॉमिक परस्पेक्टिव में देख रहा था, सिटीजन को सोशल परस्पेक्टिव में नहीं देख रहा था, सिटीजन को एज कस्टमर देख रहा था. वो सारी चीजें यहाँ पे नहीं थी. ठीक है ना. हाँ, तो न्यू पब्लिक मैनेजमेंट हैज बीन ब्रांडेड. ठीक है ना. हैज बीन ब्रांडेड बाय सर्टन स्कॉलर्स एज न्यू टेररिज्म. इज इट, इट इज अ जस्टिफाइड, इज इट, इज इट आएगा. ठीक है ना. तो लिखिए या खुद लिखिए, मैं बहुत ज्यादा नहीं बताने वाला. मैं खुश हो गया, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आप इसको जरूर लिखिए. 20% डिस्काउंट मिलेगा बेटा आपको, हाँ, अनअकैडमी की सब्सक्रिप्शन के ऊपर. तो ये सारे मतलब कॉम्बो के ऊपर भी है, आइकॉनिक के ऊपर भी है. वाई अनअकैडमी? अनअकैडमी को क्यों चूज करें, सेलेक्ट क्यों करें? ठीक है. तो ये सारे ऑफर्स हैं, मतलब ये सारे पॉजिटिव चीज़ें अनअकैडमी के बारे में. प्लस मेंस टेस्ट सीरीज शुरू हो चुका है, ऑप्शनल टेस्ट सीरीज एंड ये वाला. ठीक है ना. प्लस मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम है, आप इसको स्कैन करें, स्कैन करके अपलोड कर दीजिए. ऑप्शनल कार्निवल, हाँ, ये स्टार्ट हो चुका है. 20% आपको यहाँ पे भी डिस्काउंट मिल जाएगा. EMI का अगर आपको ऑप्शन चाहिए, पता करना है 8700220064. ठीक है ना. इसके ऊपर कॉल करिए गुंजन को. सो दिस इज ऑल फॉर द मंथ. बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस नाइस.